मैंने कहा ना मैं बात कर रहा हूँ। तौसीफ इतना अच्छा लड़का है लेकिन जो भी हो आंटी दलाल के स्टेटस का तो नहीं है। परी को जरूरत क्या थी उससे दोस्ती करने की? अपना स्टेटस पर अपने बयार वाले से दोस्ती करनी चाहिए। प्लीज दूसरों को डिग्रेड ना करें। इतनी चालाक लड़की से तो कोई बेईद नहीं है कि वो मेरा बेटा ही मुझसे छीन ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस घटिया काम के लिए फोन करने की? सांप के बाद भरम हो गया। इधर देखो, इधर ऊपर ऊपर आंखें खोलो, इधर देखो, इधर क्या देखा भाई तुमने? नहीं कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं, ये क्या बात हुई? मैंने तो चेकअप किया लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि किसी और ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर को तुम्हारी आंटी। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? तुम ऐसा करो ना, कम आफ्टर टू डेज, मैं दो टेस्ट और करा। इसका बात है कि समथिंग इज सीरियस है क्या? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। पिगमेंटोसा इधर से आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता मरीज अपनी बिनाई खो देता है। भाई कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ ही अरसे में मेरी बिनाई खत्म हो जाएगी। बात तो कुछ ऐसी है यार, लेकिन हम फाइट करेंगे बीमारी। मैं दुनिया के बेहतरीन आई स्पेशलिस्ट को जानता हूँ, मैं उनसे बात करूंगा, मैं तुम्हारा दोबारा चेकअप करूँगा। कोई ना कोई। प्लीज डॉक्टर ना बनो, दोस्त बन के बताओ, दिल बहलाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि कुछ ही अरसे में मैं अंधेरों में डूबने वाला हूँ। ये बताओ ये क्या है, इसकी वजह क्या होती है? इसकी शुरुआत तो इस तरह होती है कि इंसान रंगों में तमीज खो देता है। नेक्स्ट लेवल के ऊपर आंखों के दाएं और बाएं अंधेरा नजर आता है, सिर्फ सामने की चीज देख पाता है, फिर दफ्तर होता वो बिनाई भी चली जाती है। और रही बात इसकी वजह की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह विटामिन ए की कमी होती है। सबसे ज्यादा आंखों पर असर करती है। ठीक है खालिद, मैं चलता हूँ। ओके यार, खाना नहीं खाना आइडिया? जब से आया है कमरे में बंद है, मूड भी खराब है और इसकी वजह मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। अब इसे कौन समझा है कि माँ बाप अपनी औलाद के दुश्मन नहीं होते? स्टेटस पे चलो कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है मजबूरन, ये सोच करके अल्लाह अल्लाह करके उसे कोई लड़की पसंद तो आई, लेकिन ऐसी लड़की को कौन कबूल करेगा जो दौलत की खातिर सब कुछ करने को तैयार हो जाए? चलो दौलत ना सही, कम से कम एथिक्स तो होनी चाहिए। आहिस्ता बोलिए, वो घर पर ही है। फरी ने ये राज मुझे बताया और कहा है कि इसकी हवा भी नहीं लगनी चाहिए उसे, वरना वो हर्ट होगा। अरे बात तो फरीन की भी ठीक है, जब इंसान का एतबार टूटता है तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। हमारा तो अब एक नया इम्तिहान शुरू हो गया है ना, इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे मशवरे पर अमल किया जाए। हमें कुछ दिनों के लिए तलाल के सामने से हट जाना चाहिए ताकि वो तन्हाई में बैठ के सोचे कि माँ बाप को नाराज करके वो कितने दिन खुश रह सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, हमें देखकर तो उसको यही लगता रहेगा कि हम उसकी खुशियों के दुश्मन हैं। इकलौता बेटा होने का हरगिज ये मतलब नहीं
कि उसकी जायज नाजायज बात मान ली जाए। फरी उसकी बहुत पुरानी दोस्त है जावेद, वो इसके बारे में सब कुछ जानती होगी जो कोई और नहीं जानता। नहीं तो फरीन की सादगी है कि उसने अपनी मासूमियत में तुम्हें सब कुछ बता दिया, वरना वो अपनी दोस्त का साथ भी दे सकती थी। सही कह रहे हो। शादी की भी एक उम्र होती है बेटा, और इसी उम्र में रिश्ते आते हैं, मगर तुम तो हर रिश्ते से इनकार कर रही हो। आप क्यों परेशान होती हैं अम्मी, थोड़ा रुक जाएं। बेटा जवान बेटी की माँ उस वक्त तक परेशान रहती है जब तक बेटी ब्याह कर अपने घर रुखसत नहीं हो जाती। अम्मी एक बात कहूँ, वो तलाल अपने माँ बाप को हमारे घर लाना चाहता है कुछ दिन में। तलाल वो जो तुम्हारे ऑफिस में काम करता है? जी। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, लड़का देखने में तो बहुत अच्छा है। जी अम्मी, वो तो हर अंदाज में बहुत अच्छे हैं। तो फिर बेटा उसे कहो ना अपने माँ बाप को जल्दी से हमारे घर लेकर आए, वाकई वो बहुत अच्छा लड़का है। अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छे करे, मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है। जानती हूँ। तुम बिजी तो नहीं थे ना? नहीं नहीं बोलो। तलाल तुमसे सॉरी कहना था मुझे। देखो कभी कभी मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, अगर मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो आई एम रियली सॉरी। कोई बात, अगर किसी शख्स को उसकी गलती का एहसास हो जाए तो उसको उसकी गलती नहीं याद दिलानी चाहिए। थैंक यू, तुम्हारी इस बात की वजह से तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ हल्का हुआ है। आइंदा के लिए एहतियात करो। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। तुम्हें पता है तलाल, मेरी ना कोशिश होती है मैं खुद और मेरे आसपास जितने लोग होते हैं उन सबको खुश रखूं, मेरी वजह से कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी कि किसी को भी कोई मसला ना हो मेरी वजह से। ये तो बहुत बड़ी बात है। पता है अगर तुम ऐसी सोच रखती हो तो ये समझ लो कि तो बहुत ही अच्छे इंसान की निशानी है। अंदर नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी, बस मैं फाइल देने आई थी। नहीं नहीं विभा प्लीज अंदर आओ। ओके बैठो। अच्छा हुआ तुम, अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं यही बात तलाल से भी कर रही थी। नहीं फरीन, इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके। तुम्हें पता है मैं तुम दोनों से दो दिन दूर रही हूँ तो मुझे एहसास हुआ है तुम दोनों मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, खासकर तुम। रिबा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुम्हारी मेरी लाइफ में कितनी अहमियत। जो इंसान खुद अच्छा हो ना उसे सब ही अच्छा नज़र आता है। तुम्हें पता है तलाल मुझे थोड़े अपसेट लग रहे थे, लेकिन तुम्हारी बातों ने उनका मूड चेंज कर दिया। हाँ अपसेट तो ये मुझे भी लगा। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। चाय मंगवाई ना। वैसे तुम्हें देखकर एक दानिश्वर का कॉल याद आ गया।
कहते हैं औरत का सिंगार उसके दिल की कैफियत को जाहिर करता है। औरत नहीं लड़की। तो फिर मेरी एक बात जल्दी से मान लो। ओके, लेकिन पहले आप बात बताइए, शादी कर लो प्लीज। तुम तलाल से बात कर लेना और जब बात करो तो उसको ये महसूस नहीं होने देना कि हम उससे नाराज होके जा रहे हैं। हाँ, उसको इतना जरूर कहना कि हमारी गैर मौजूदगी में वो ये जरूर सोचे कि शादी उसे कहते हैं जिसमें सब खुश हो। देखो, इस बीमारी में इंसान की बीनाई एकदम से नहीं चली जाती, और हम दवाओं से कोशिश करेंगे कि इस बीमारी की मैच्योरिटी को जरा डिले कर सकें। क्या डिले करेंगे, अंजाम तो अंधेरा ही है ना। वैसे ये एक्टर्स घंटों घंटों कैसे परफॉर्मेंस कर लेते हैं, मुझसे तो एक मिनट एक्टिंग नहीं हो रही थी। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस फरहीन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ब्रिलियंट। मैं दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ रिवा, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी तलाक को मुझसे बचीने की कोशिश करे ये मैं होने नहीं दूंगी। कम से कम ये मेरी जिंदगी में तो पॉसिबल नहीं। अरे डराई दिया मुझे, ओह चैन नहीं आता तुम्हें इतनी रात को। चैन ही तो नहीं आता, वैसे मुझे पहले शक था लेकिन अब मुझे 100% यकीन हो गया। क्या? यही कि तुम पे किसी का असर है या फिर बहुत ही भयानक साया। तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया। मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग ठीक होता तो रात को 12 बजे मेकअप करके झूले नहीं झूल रही होती। वो तो बस ऐसे ही, वो नींद नहीं आ रही थी ना। हाँ नींद नहीं आ रही थी तो तुमने सोचा कि सुबह वक्त जाया करने की क्या जरूरत है, रात नहीं मेकअप करके सो जाती हूँ, सुबह उठ के चल पड़ूंगी। फला अपनी बकबक बंद करो, बताओ क्या काम है। तुम्हें देख कर याद ही नहीं रहा। जाहिर है। हाँ याद आया, तुम्हारे मोबाइल का चार्जर चाहिए था। मेरे मोबाइल का चार्जर ख़राब हो गया है और रात के 12 बज रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई दुकान खुली होगी। वही पुरानी कहानी, लाती हूँ। सुनो, वैसे तुम्हें देखकर एक दानिश्वर का कॉल याद आ गया। कहते हैं औरत का सिंगार उसके दिल की कैफियत को जाहिर करता है। औरत नहीं लड़की। हाँ लड़की, ओ लड़की सुनो तो। मामा मुझे अंदाजा हो गया है जिंदगी इतनी फजूल नहीं है कि एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए कुर्बान कर दी जाए। शुक्र खुदा का तुमने भी कोई अकल की बात की। वैसे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है कि ये तुम्हारे अपने ख्यालात हैं। ये मेरे ही ख्यालात हैं, मैं आपसे सही कह रही हूँ। मैं खुद भी खुश रहना चाहती हूँ और आप लोगों को भी खुश रखना चाहती हूँ। तो फिर मेरी एक बात जल्दी से मान लो। ओके, लेकिन पहले आप बात बताइए, शादी कर लो प्लीज। व्हाट, इतनी बड़ी बात और इतने प्यार से कह रही है। हाँ मैं, मुझे लगा था कि आप ये कहेंगी कि मैं लंदन चली जाऊँ कुछ दिनों के लिए,
लंदन तो तुम मेरे मशवरे के बगैर भी चली जाती हो. आई एम सीरियस बेटा, सच अ जोक. बताओ कब कर रही हो तुम शादी? थोड़ा सा इंतजार कर लें, कर लूँगी और वहाँ करूँगी जहाँ आप कहेंगे. ओह गॉड, ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं. सही कह रही हूँ. हाँ मुझे भी हैरत हो रही है, इतने वक्त के पाबंद हैं पर आजकल लेट आ रहे हैं ऑफिस. यहाँ तक कि हमारी दो प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज हो रही हैं आजकल. एक तो मुझे समझ में नहीं आती, जब बॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों इतना अपसेट हो रहे हो, क्यों परेशान हो रही हो भाई? फरीन, टीम वर्क होता है. अगर टीम का लीडर नहीं होगा तो काम कैसे होगा? रिबा तुम बहुत जज्बाती हो, तुम्हें पता है ना. डोंट वरी, सारे काम अपने वक्त पे हो जाएंगे. बल्कि एक काम करते हैं, आज ज़रा हम लोग भी थोड़ा सा चिल कर लें. मैं तो बिल्कुल चिल नहीं कर सकती, मैंने इशारे को कुछ पॉइंट्स भी देने हैं इस प्रोजेक्ट के. सॉरी यार. जैसे तुम्हारी मर्जी. मैं तो सोच रही थी थोड़ा सा ईजी लेते हैं आज, कल से काम ही काम है. लेकिन तो तुम ऑफ कर लो ना, क्योंकि तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है. ऑफ करके क्या करूँगी, घर जाके क्या करना मैंने? हाँ ये भी है. अच्छा एक काम करते हैं, मैं ये जल्दी से ख़त्म करके तुम्हारे साथ लंच करती हूँ. रियली थैंक यू सो मच, व्हाट अ न्यूज़. जल्दी आना. बस दो मिनट, चलो मिलते हैं. जल्दी आना. यस बॉस. थैंक यू बॉस. जितना मर्जी ये चाहे सिंसेयर बन जाए, है तो वो मेरा ही. यार मैं अभी पापा को नहीं बता सकता, उनके लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज होगी. अरे भाई किसी को कुछ बताने की भी जरूरत ही नहीं, कल थोड़ी कुछ होने जा रहा है यार. देखो इस बीमारी में इंसान की बिनाई एकदम से नहीं चली जाती, और हम दवाओं से कोशिश करेंगे कि इस बीमारी की मैच्योरिटी को थोड़ा डिले कर सकें. क्या डिले करेंगे, अंजाम तो अंधेरा ही है ना. उम्मीद की रोशनी अंधेरों के लिए तो बनी है ना, और इस वक्त तक तो हम उसकी बेसिक तक पहुंच चुके होंगे. खाले उम्मीद के नाम पर खुद को धोखा भी नहीं दिया जा सकता. हाँ लेकिन उम्मीद का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ा जा सकता. हम इसे सुनते आए कि उम्मीद की दुनिया कहाँ है, तो ठीक है हम भी आजमा के देखते हैं, क्या पता हम कामयाब हो जाए. खैर यहाँ आने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुँचा हूँ, मैं अपनी वजह से किसी और की ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकता. इतना नाउम्मीद नहीं हो यार. मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, बस एक मेरा फैसला है. चलो हाँ सलमान बोलो. गुड जॉब. बस तुम सीट कंफर्म कर लो. ठीक है ओके थैंक यू. क्या हुआ? वीज़ा लग गया है, सीट कंफर्म हो जाएगी शाम तक. तुम पैकिंग कंप्लीट करके रखना, सुबह 4 बजे की फ्लाइट हो सकती है. हाँ हाँ हर तीसरे महीने तो चक्कर लगता है हमारा, अक्सर चीज़ें तो सूटकेस में ही पड़ी रहती हैं. आप फिक्र नहीं करें. तुमने तलाल को कांटेक्ट किया था? मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है. आप पहले अपना काम ख़त्म कर लें फिर मैं बात कर लूँगी. तुम तलाल से बात कर लेना, और जब बात करो तो उसको ये महसूस नहीं होने देना कि हम उससे नाराज़ होके जा रहे हैं. हाँ उसको इतना ज़रूर कहना कि हमारी गैर मौजूदगी में वो ये ज़रूर सोचे कि शादी उसे कहते हैं जिसमें सब खुश हो. आई नो, लेकिन मेरा उससे रابطہ हो तो बात करूँ ना आराम से बैठकर. खैर आप मुझे बताएं कि वो होटल की रिजर्वेशन हो गई.
अरे सीट कंफर्म हो जाने दो, रिजर्वेशन इज नो प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है आपकी तबीयत नहीं ठीक, आई थिंक आपको रेस्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो तुम लोग कि मेरी तबीयत खराब है? मैं तो बस पूछ। नो प्लीज डोंट। तुम तो जानते ही हो कि मैं तुम्हारे साहब के साथ अमेरिका जा रही हूँ। जी जी बेगम साहिबा, आपने जिक्र किया था। तुम्हें अपना भी बहुत ख्याल रखना है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम कैसे ख्याल रख सकोगे तलाल का? क्या बात है, इतने गुस्से में हो? जाहिर सी बात है रेबा, पता नहीं किस तरह का इंसान है ये। 5 मिनट चाहिए थे खाली। नहीं मुझे बात नहीं करनी, लीव मी अलोन, आई एम अपसेट। सही कह रही हो, पता नहीं आजकल तलाल को क्या हो गया है, हर वक्त अजीब मूड में होते हैं। क्या बात है, कल आप लेट थे और आज तो आप कल से भी ज़्यादा लेट हैं। खैरियत तो है? आपका आउटडोर वर्क बढ़ गया है क्या? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तलाल आई हो के? क्या कह रही थी? आपकी तबीयत तो ठीक है? तो वो नवीद मलकिया साहब हैं, उनके साथ हमें काम नहीं करना, बिल्कुल फजूल आदमी है। ओके, आई एम फाइन। मुझे लग रहा है आपकी तबीयत नहीं ठीक, आई थिंक आपको रेस्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो तुम लोग कि मेरी तबीयत खराब है? मैं तो बस पूछ। नो प्लीज डोंट, प्लीज लीव मी अलोन। और तुम्हें जब तक मैं नहीं बुलाऊं प्लीज कोई कमरे में। ओह आई एम सो सॉरी। अरे 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 क्या हो गया है, कहाँ खोई हुई हो? सॉरी यार, देखा ही नहीं मैंने। इसीलिए कहते हैं इंसान को आगे की तरफ देख कर चलना चाहिए। तलाल ठीक कह रही हूँ? तलाल की तबीयत नहीं ठीक एक्चुअली। क्यों क्यों क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? I'm fine. Please, आप लोग कमरे से बाहर जाएं, ये थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, जब तक मैं नहीं बुलाऊं कोई ना आए। क्या मतलब प्राइवेसी चाहिए, यही तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? Excuse me, मैंने बैठने को कहा है। Excuse me? Please leave me alone. Listen, तलाल, next time स्टोर में मुझसे बात मत करना, okay? हुजूर बख्श। जी बेगम साहिबा। तुम तो जानते ही हो कि मैं तुम्हारे साहब के साथ अमेरिका जा रही हूँ। जी जी बेगम साहिबा, आपने जिक्र किया था। जब भी अमेरिका से वापस आती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि अब इस घर में मुझे एक बहू नज़र आएगी, तलाल की खुशियाँ नज़र आएंगी, लेकिन लगता है कि अभी कुछ और टाइम लगेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं बेगम साहिबा, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी। तलाल का बहुत ख्याल रखना है तुमने, और जब तक अपने क्वार्टर में सोने मत जाना जब तक वो ना सो जाए। बेगम साहिबा आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इससे पहले कभी आपको मुझसे शिकायत हुई है? माँ हूँ ना, इसलिए दिल की बात कह देती हूँ। तुम्हें अपना भी बहुत ख्याल रखना है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम कैसे ख्याल रख सकोगे तलाल का? मैं अपना ख्याल रखूं या ना रखूं,
लेकिन तलाल मियाँ मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मेरी ज़िंदगी है और मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मैं आप लोगों की इसी तरह खिदमत करता रहूँगा। ठीक है, जाओ। तलाल, कहीं जा रहे हो? तलाल, तुम दो मिनट दे सकते हो? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अब मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जा सकती हो। तलाल, क्या हुआ है? तुम अपसेट लग रहे हो। दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस। व्हाट? अरे फरीन, तुम अभी जा रही हो? हाँ, जा रही हूँ। तुमने तलाल को बता दिया? प्लीज़ यार, उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। क्या बात है, इतने गुस्से में हो? जाहिर सी बात है रेबा, पता नहीं किस तरह का इंसान है ये। पाँच मिनट चाहिए थे खाली, उससे रिक्वेस्ट किया है कि दस मिनट पाँच मिनट की बात है, करने दे दो। नहीं, मुझे बात नहीं करनी, लीव मी अलोन, आई एम अपसेट। मतलब ये क्या है, हम नौकर थोड़ी ही उसके। सही कह रही हो, पता नहीं आजकल तलाल को क्या हो गया है, हर वक्त अजीब मूड में होते हैं। यार रेडिया, तुम्हें छोड़ दूँ? तुम्हें जाना है घर? नहीं, मुझे अभी बहुत काम है। आर यू श्योर? हाँ। ओके, दाफिस। खैर से जाओ। हाँ, दाफिस। दाफिस। हाँ तो आसिफ। हाँ प्लीज़, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ। ओके, दाफिस। लाइफस्टाइल एंजॉय हो रहा होगा, खूब लॉन्ग ड्राइव्स हो रही होंगी, नहीं? अरे नहीं, मेरे ऐसे नसीब कहाँ। आज कुदरत मेहरबान है तो शॉपिंग का प्लान बनाया, वो भी फाइनल नहीं है, मैडम के मूड पे डिपेंड करता है। मैडम का मूड हम श्योर बन जाएगा अगर आप गिव अप ना करें तो। यही तो कोशिश में लगा हुआ हूँ। तुम अभी तक यहाँ? क्या बताऊँ मैं आपको आंटी, उसको अपना कज़न मिला हुआ है जिसे खूब बेवकूफ़ बना रही है वो आजकल। इसका मतलब है कि खूब शॉपिंग हो रही है और मेरे बेटे को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ऑब्वियसली, वैसे आंटी कोई उसकी शक्ल देख कर कह सकता है कि ये लड़की इतनी मक्कार है? तौसीफ, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? गुड। वॉक हो रही है? नहीं यार, कोई वॉक नहीं हो रही। पता नहीं ड्राइवर कहाँ रह गया, उसका वेट कर रही हूँ काफ़ी देर से। अच्छा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। जनाब, आपकी गाड़ी तो माशाल्लाह आप पे खूब जचती है। थैंक यू। लाइफस्टाइल एंजॉय हो रहा होगा, खूब लॉन्ग ड्राइव्स हो रही होंगी, नहीं? अरे नहीं, मेरे ऐसे नसीब कहाँ।
आज कुदरत मेहरबान है तो शॉपिंग का प्लान बनाया, वो भी फाइनल नहीं है, मैडम के मूड पे डिपेंड करता है। मैडम का मूड आई एम श्योर बन जाएगा अगर आप गिव अप ना करें तो। यही तो कोशिश में लगा हुआ। तुम अभी तक यहाँ हो? नहीं यार, ड्राइवर ही नहीं आया, उसी का वेट कर रही हूँ। अच्छा, वैसे इतनी फॉर्मेलिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नो नो, थैंक यू सो मच। तुम लोग जाओ शॉपिंग करो, एंजॉय करो, आ जाएगा थोड़ी देर में। शॉपिंग? हाँ, एक्चुअली मुझे दो तीन चीज़ें लेनी थी मॉल से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो देन, यू गाइस कैरी ऑन। ओके ओके, टेक केयर, आइए मैम प्लीज। तौसीफ, इसकी क्या जरूरत है, इतनी फॉर्मेलिटी, क्या हो गया तुम्हें? फॉर्मेलिटी नहीं है ये, प्रोटोकॉल है। थैंक यू। क्या बताऊँ मैं आपको आंटी, उसको अपना कज़न मिला हुआ है जिसे खूब बेवकूफ़ बना रही है वो आजकल। इसका मतलब है कि खूब शॉपिंग हो रही है और मेरे बेटे को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ऑब्वियसली, वैसे आंटी कोई उसकी शक्ल देखकर कह सकता है कि ये लड़की इतनी मक्कार है, कितनी मासूम लगती है ना शक्ल से। एक मिनट, अभी आप जरा सुनिएगा इसकी बात। हाँ फरीन, खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है। कैसी चल रही है तुम्हारी शॉपिंग? क्या ख्याल है, तुमने क्या पूरे का पूरा मॉल खरीदना है? तो सिर्फ चीज़ें देख रहा है यार, उसे कुछ पसंद आए तो। आप चलो, ओके, इन्जॉय योर सेल्फ, तुम लोग इन्जॉय करो। तुम घर पहुंच गई? हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ। अच्छा सुनो, तो जो कुछ भी दिलवा रहा है नखरे मत करना, ले लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, सुनो हम निकल रहे हैं, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। चलो ओके बाय, टेक केयर। देखा आंटी, मैंने क्या कहा था आपसे, तौसीफ की मर्ज़ी के बगैर शॉपिंग नहीं हो सकती। और उधर अल्लाह बचाए इस लड़की से मेरे बेटे को, बहुत ही चालाक लड़की है। थैंक यू बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अरे नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं, मेरा तो ये फ़र्ज़ था। अच्छा मैं अब चलती हूँ, मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गई हूँ। हाँ ठीक है बेटा। सब भेज रहा है वो अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते। तुम अपने माँ बाप से किस बात का बदला ले रहे हो? आप लोग नाराज है ना मुझसे? नाराजगी तो सिर्फ उसी सूरत में हो सकती थी कि तुम हमसे वो कुछ कराने की कोशिश करो जो हम करना नहीं चाहते। तलाल दरवाजा खोलो। क्यों आई हो तुम, मुझे किसी से नहीं मिलना। तुम नहीं बताना चाहती तो फिर मैं डायरेक्ट तलाल से ही पूछ लेता।